दिग्विजय सिंह जी, आरपीएन सिंह जी, जगदंबिका पाल जी, प्रमोद तिवारी जी, माधव पासवान जी, संजीव सिंह जी, काजल निषाद जी, निर्मला पासवान जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इस पवित्र जमीन पे आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इस सरकार को आपने चुना और जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था, आपसे कहा था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी और जो भी सरकार प्रोग्राम चलाएगी गरीबों के हित के लिए, कमजोर लोगों के लिए चलाएगी। हमारे विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, उन्होंने भी नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान चमक रहा है, आप वोट दीजिए। पत्रकारों ने उनसे पूछा, भैया ये इंडिया शाइनिंग का नारा अंग्रेजी में आपने दिया है, ये कहां से निकाला आपने? और उनके सबसे बड़े नेता ने कहा, एक रात में टेलीविजन देख रहा था और एक इश्तेहार आया, उसमें नीचे अंग्रेजी में लिखा था इंडिया शाइनिंग, और मैंने सोचा अच्छा नारा है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, ये आपके घर में नहीं जाते, आपसे बात नहीं करते, आपकी मुश्किलें नहीं समझते और टेलीविजन से नारे दे देते हैं इंडिया शाइनिंग अंग्रेजी में। हमने आपसे एक वायदा किया कि हम ऐसी सरकार चलाएंगे जो गरीबों की मदद करेगी, गरीबों के लिए लड़ेगी, सबकी सरकार बनाएंगे, हर धर्म की, हर जात की, और सबको लेकर आगे चलेंगे। पहला काम हमने क्या किया, गारंटी रोजगार योजना, हर गरीब को रोजगार की गारंटी दी। हम आपके पास आए और आपसे पूछा कमी क्या है, आपने हमें बताया कि रोजगार शहरों में मिलता है, गांव तक नहीं पहुंचता, हमें शहर शहर जाना पड़ता है रोजगार ढूंढने। क्यों ना आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे रोजगार गांव तक पहुंचे। और हमने दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम गारंटी रोजगार योजना चालू की, 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, हर गरीब को जो काम करना चाहता है, जो अपना पसीना देना चाहता है, 12,000 रुपए हम हर गरीब के लिए भेजते हैं। होता क्या है, आप तक नहीं पहुंचता। हम अधिकार की बात करते हैं और विपक्षी दल क्या कहते हैं, संसद में खड़े हो गए, पार्लियामेंट हाउस में खड़े हो गए और सवाल पूछा पैसा कहां से आएगा। जब गरीबों की बात होती है तो सवाल उठता है पैसा कहां से आएगा, और मैं उन विपक्षी दलों से दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो प्रगति का पैसा आया है ये कहां से आया है, ये क्या आसमान से टपका है, ये आपके खून पसीने से आया है, जो आपके मजदूर, जो गरीब मजदूर काम करते हैं, सड़क बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, जो आपके मजदूर दिल्ली में मेट्रो पे काम करते हैं, जो पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम करते हैं, ये प्रगति लाएं, अपना खून पसीना दे के ये प्रगति लाएं, ये पैसा आपका है और आपके विकास के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए, आपके प्रगति के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो पार्लियामेंट हाउस में पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। आपका पैसा है ये, उनका पैसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है, बीएसपी का पैसा नहीं, यूपी की जनता का पैसा है, यूपी के कमजोर लोगों का पैसा है, यूपी के किसानों का, यूपी के मजदूरों का पैसा है।
हम सिर्फ आपका पैसा आपको लौटाते हैं। महाराष्ट्र में प्रगति आई, आप लाए, आपने मदद की, आपके लोगों ने काम किया। हरियाणा में प्रगति आई, पंजाब में प्रगति आई, आपके लोगों ने काम किया। पैसा दिल्ली की सरकार को मिलता है, हम आपके यहां भेजते हैं। होता क्या है, हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, मनरेगा में भेजा, लखनऊ में जादू का हाथी बैठा हुआ है। जादू का हाथी बैठा है, आमतौर से हाथी सड़कों पे चलता है, पत्ते खाता है, घास खाता है। ये जो जादू का हाथी बनाया है मायावती जी ने जो बनाया है, ये यूपी के गरीब गरीब लोगों का पैसा खाता है। जो भी हम भेजते हैं आपके लिए, मनरेगा चालू किया आपके लिए, भेजा पैसा गायब हो गया। स्वास्थ्य का पैसा भेजा, हजारों करोड़ रुपए भेजा। सीबीआई पड़ी हुई है पुराने मंत्री के पीछे, बाबूलाल जी के पीछे, हजारों करोड़ रुपए आपके चोरी किए। हर रोज मंत्रियों को मायावती जी हटाती है, मगर 5 साल से ये मंत्री थे, 5 साल से इन्होंने आपकी चोरी की, तब उनको चलने दिया। अब 1 महीना बचा इलेक्शन के लिए, तो अब कह रही है भैया ये सब भ्रष्ट है, इनको हम निकाल रहे हैं। और क्या हो रहा है, मंत्री निकाले जा रहे हैं, सुनो, मंत्री निकाले जा रहे हैं और बीजेपी इनको ले रही। बाबू सिंह जी को लिया, सबसे भ्रष्ट मंत्री है, रेस थी मंत्रियों में कौन सबसे भ्रष्ट होगा, उस रेस में थे वो शामिल, उनको बीजेपी ने ले लिया। बीजेपी वही लोग जिनके नेता ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, कर्नाटक में सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, उत्तराखंड में सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, गुजरात में भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, झारखंड में भ्रष्ट सरकार चलाते हैं। यहां पे बाबू सिंह जी को ले लिया और हमें कहते हैं भैया भ्रष्टाचार के बारे में, हमें कहते हैं, हमारे मंत्री जेल में बैठे हुए हैं। कमी क्या है, यूपी के जनता में कोई कमी नहीं, आपके लोग काम करते हैं, बाकी प्रदेशों को आगे बढ़ाते हैं, आप में शक्ति है, मगर आपके जो नेता हैं आपके बीच में नहीं आते, आप तक नहीं पहुंचते। मायावती जी 5 साल से चीफ मिनिस्टर, आपने उनको एक बार गांव में देखा है पिछले 5 सालों में, एक बार देखा है, बताओ एक बार देखा है, एक बार नहीं देखा है। मुलायम सिंह यादव जी पिछले 5 साल में आपने उनको किसी गांव में देखा है, एक बार नहीं देखा है। और जब मैं गांव में जाता हूं, आपके घरों में जाता हूं, खाना खाता हूं आपका, आपके कुएं का गंदा पानी पीता हूं, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते भैया राहुल गांधी को क्या हो गया, मजाक उड़ाते हैं, कहते राहुल गांधी को क्या हो गया है, राहुल गांधी क्यों जा रहा है दलितों के घर में, क्यों जा रहा है अल्पसंख्यकों के घर में, क्यों जा रहा है गरीब लोगों के घर में। मैं बताता हूं क्यों जा रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शक्ति उन लोगों में है, उत्तर प्रदेश की शक्ति गरीब लोगों में है, पिछड़े लोगों में है, दलितों में है, अल्पसंख्यकों में है। और इस शक्ति को, और इस शक्ति को आपकी सरकारों ने बांध के रख रखा है, बांध के रख रखा है। आप जाते हो महाराष्ट्र, जाते हो, आपकी शक्ति महाराष्ट्र को आगे बढ़ाती है, हरियाणा में, पंजाब में आपकी शक्ति आगे बढ़ाती है, यहां आपके हाथ बांधे हुए हैं। 5 साल से नहीं, 22 सालों से आपके हाथ बांधे हुए हैं। पहले बीजेपी के लोग आए, उन्होंने कहा भैया भगवान के नाम वोट दो, आपने दिया, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। फिर आई समाजवादी पार्टी, आज उम्मीद की साइकिल की बात करते हैं, 3 बार आपने उस साइकिल पर भरोसा किया, 3 बार आपने मुख्यमंत्री बनाया मुलायम सिंह यादव जी को, और आपकी जो उम्मीदें थी उसको पंचर किया उन्होंने, 3 बार पंचर किया आपकी उम्मीदों को। और इस बार कहते भैया उम्मीद की साइकिल एक बार फिर उम्मीद करो, आप जाके उनसे पूछिए भैया 3 बार आपसे आपको मुख्यमंत्री बनाया, क्या किया आपने, विकास में क्या किया,
उम्मीद के साइकिल की बात करते हैं, आप उम्मीद रख सकते हो, आप ये उम्मीद रख सकते हो कि भैया पुलिस स्टेशन में जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो FIR नहीं लगा पाएगा, ये आप उम्मीद रख सकते हो। आप उम्मीद रख सकते हो जो मुलायम सिंह जी ने कहा कि अंग्रेजी कंप्यूटर मोबाइल टेलीफोन से किसी को फायदा नहीं होगा, ये उम्मीद आप रख सकते हो। अखिलेश को मैं जानता हूं, अखिलेश अंग्रेजी में बोलता है, कंप्यूटर चला लेता है, मगर मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि यूपी में गरीब को कंप्यूटर और अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं। अगर अंग्रेजी और कंप्यूटर की जरूरत नहीं है तो अखिलेश यादव जी अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, अखिलेश यादव जी कंप्यूटर क्यों चलाते हैं? हम चाहते हैं कि सब लोग शामिल हों, विकास में सब लोग शामिल हों, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, ठाकुर, गरीब, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग शामिल हों। उम्मीद की बात करते हैं मुलायम सिंह यादव जी, पिछले इलेक्शन में कल्याण सिंह जी से गले लगा लिए थे, और जब हमने बात की आरक्षण की, हमारी पार्टी ने आरक्षण की जब बात की और कहा कि सच्चर कमीशन जो हमने लिखवाई, सच्चर कमीशन ने कहा है कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वो विकास में शामिल नहीं हो रहे हैं,